भाषा नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। कुश्ती खूब आती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। तो जी मेरे लिए तो हो गई मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो धम चिक पक धम लुट पुट गया लुट पुट। दोस्तों शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी स्टार डंकी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी विदेशों में अच्छी जिंदगी के सपने देखने वाले लोगों की कहानी को कहता है। यह फिल्म इस मुद्दे को भी सामने लाती है कि वीजा सिस्टम ने किस तरह से गरीबों और अशिक्षित लोगों के साथ अन्याय किया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता निर्देशन राजकुमार हिरानी अपनी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS से ही हॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन शाहरुख खान का इनकार मुन्ना भाई से लेकर थ्री इडियट तक बना रहा। आखिरकार दो दशक बाद ही सही डंकी की स्क्रिप्ट ने राजकुमार हिरानी और दर्शकों को दोनों ही ख्वाहिशों को पूरा कर दिया है, जिसने उम्दा निर्देशक राजकुमार हिरानी और करिश्माई एक्टर शाहरुख खान की जोड़ी को एक साथ लेकर आया है। फिल्म से दो सिनेमा के बेहद खास नाम जोड़े हैं, इसलिए उम्मीदें भी बड़ी हुई थी। राजकुमार हिरानी की फिल्म में मनोरंजन के साथ साथ मुद्दा भी होता है। इस बार भी वह मुद्दा लेकर आए हैं, लेकिन वह उसके साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। लेकिन में मामला सती रह गया है, जिस वजह से किरदारों का संघर्ष और दुख उस तरह से आपको छू नहीं पाता है जो किसी फिल्म की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। शाहरुख खान जरूर अपने अभिनय और चार्म से फिल्मों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला आखिर में औसत वाला ही रह जाता है। फिल्म की कहानी पंजाब से लालटू में रहने वाले तीन दोस्तों मन्नू तापसी पन्नू बग्गू विक्रम कोचर और बल्ली अनिल ग्रोवर की है, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उन्होंने अपनी इन सभी परेशानियों को जवाब इंग्लैंड की किसी भी नौकरी में नजर आता है। वह पहुँचने के लिए वह आए दिन कुछ ना कुछ लीगल तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनकी गरीबी और कम शिक्षा की वजह से वीज़ा मिल नहीं पा रहा है। उनकी ज़िंदगी में होली शाहरुख खान की एंट्री होती है, वह भी उनके सपने को पूरा करने में जुट जाता है और वह डंकी के अवैध और जोखिमों से भरे रास्ते के जरिए उन्हें उनके सपनों की मंजिल इंग्लैंड पहुंचा देता है। लेकिन वह मंजिल नहीं, यह बात सभी को जल्द ही समझ आ जाती है। लेकिन देर हो चुकी है, क्या कभी वे अपने घर लौट पाएंगे, यही आगे की कहानी है। फिल्म की कहानी विदेशों में अच्छी ज़िंदगी के सपने देखने वाले लोगों की कहानी को कहता है। इससे पहले भी अवैध तरीके से विदेशों में घुसपैठ की कहानी को फिल्म और वेब सीरीज में दिखाया गया है, लेकिन यह फिल्म इस मुद्दे को भी सामने लाती है कि वीजा सिस्टम ने किस तरह से गरीबों और अशिक्षित लोगों के साथ अन्याय किया है, जिस वजह से वह अक्सर रोजगार के लिए बड़े देशों में अवैध तरीके से पहुँचने के जुगाड़ में जुटे रहते हैं। फिल्म के स्क्रीन प्ले इस बात को प्रभावी तरीके से नहीं कर पाई है, जिससे किरदारों के संघर्ष से जुड़ाव नहीं हो पाता है। कहानी 25 साल के टाइम फ्रेम में कही गई है। 1995 से अब तक फिल्म को फ्लैशबैक में कहा गया है, जिस वजह से कहानी का ट्विस्ट एंड टर्न चकित रहता है। पता होता है कि कहानी किन रास्तों से गुजरेगी। राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में इमोशन के साथ हास्य की भी मौजूदगी है, लेकिन वह टुकड़ों में ही हंसाता है। फिल्म की कहानी से लेकर किरदार तक सती रह गए हैं, जबकि राजकुमार हिरानी की फिल्मों का हर किरदार खास होता है, लेकिन यह कोई भी किरदार आपके साथ रह नहीं पाता। डंकी के मुश्किल रास्तों पर कहानी सेकेंड हाफ में आती है, लेकिन वह भी जहन में यह सवाल नहीं ला पाता है कि क्या इनकी जर्नी पूरी हो पाएगी, जो स्क्रीन प्ले की खामी को दर्शाता है। फिल्म का गीत संगीत प्रभावशाली और मीनिंगफुल है, जो कहानी और किरदारों को मजबूती देते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कहानी के साथ न्याय करती है, स्वाद औसत है। अभिनय की बात करें तो शाहरुख खान की इस साल रिलीज हुई पठान और जवान में एक्शन अंदाज में नजर आए थे, लेकिन डंकी में वह अपने पॉपुलर इमेज में दिखे हैं, जो प्यार करता है, हंसाता है, हंसता है, खुद रोता है और रुलाता भी है। शाहरुख खान ने अपने अभिनय और चार्म के साथ मजबूती से फिल्म की खामियों को छुपाने की कोशिश की है। तापसी पन्नू अपनी भूमिका में न्याय करती है। विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर ने स्पोर्टिंग कास्ट में अच्छा काम कर गए हैं, तो विक्की कौशल ने छोटी सी भूमिका में भी छाप छोड़ दी है। बोमन ईरानी सहित बाकी के कलाकारों का काम भी अच्छा है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।